हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लर्निंग पॉइंट्स। आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हमारा पीसीएस का रिवीजन सीरीज है और हम लोग जनरल साइंस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है विविध है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिले। साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान का क्षेत्र जो है बहुत विस्तृत है, जहां एक ओर यह फसल और पशुओं में होने वाली बीमारी और उनके उपचार माध्यमों का ज्ञान करा के हमारे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है, तो वहीं दूसरी ओर उत्कृष्ट पादपों, औषधियों, सूक्ष्म जीवों एवं चिकित्सीय उपकरण के ज्ञान और उसकी उपयोगिता की जानकारी उपलब्ध करा के मानव को रहन सहन का उच्च स्तर जो है प्रदान करता है। जीव विज्ञान संबंधी अनुसंधान और आविष्कार स्वास्थ्य एवं दैनिक जीवन के कई समस्याओं के समाधान में भी सहायक होता है। जैविक सेवन जो है एक कृत्रिम हृदय है, इसका आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया था। यह कृत्रिम हृदय पहली बार बार्ने क्लार्क नामक रोगी को 1982 में प्रतिस्थापित किया गया था। जोनाथ साल्क जो है एक अमेरिकी चिकित्सकीय शोधकर्ता और विषाणु शास्त्री है। इन्हें पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। इसके पश्चात वर्ष 1960 में अल्बर्ट सार्विन ने मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित की थी, जो इस बीमारी को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रॉबर्ट जी वेबस्टर न्यूजीलैंड के ये वैज्ञानिक है। 1957 में जंतु और मनुष्य में होने वाले इन्फ्लुएंजा के एक ही प्रकार के वायरस के लिए उत्तरदायी होने की इन्होंने बात कही थी। इन्फ्लुएंजा के वायरस H5N1 की पहचान की और उसे अलग किया और इसे टीके के टीके के विकास के लिए कई अनुसंधान कार्य भी किए। प्रथम युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसके दौरान जर्मन सेना ने इनके द्वारा क्या हुआ था कि ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध 1917 में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस एक तरह का खतरनाक रासायनिक हथियार है। सरसों तेल के मिलावट के लिए आर्जिमोना तेल का प्रयोग किया जाता है। इस तेल की मिलावट के फलस्वरूप जो मनुष्य में रोग होती है वो ड्रॉप्सी नामक रोग होती है। परिकलित टोमोग्राफी यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी जो होता है, या जिसे हम सिटी स्कैन भी कहते हैं, यह एक शक्तिशाली अविखंडनीय मूल्यांकन तकनीक है। इसके द्वारा वस्तुओं के द्विविमीय और त्रिविमीय चित्र लिए जाते हैं। इसमें एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। इसमें किसी वस्तु की आंतरिक संरचना जैसे उसकी विमाएं, उसका आकार, उसके आंतरिक विकार और उसके घनत्व का चित्र आसानी से लिया जा सकता है। इसके बाद आता है EEG इलेक्ट्रोसेनेफेलोग्राफी होता है। यह मस्तिष्क में उत्पन्न वैद्युतीय गतिविधियों की अभिलेखीय प्रक्रिया को जो होता है ज्ञात करता है। इसके बाद ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, यह हृदय की वैद्युत गतिविधियों का अभिलेखन प्रक्रिया है। और EOG इलेक्ट्रो जो होता है ओक्लोग्राफी होता है, रेटिना का विश्राम क्षमता को मापने की तकनीक है। EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो होता है मांसपेशियां और इसके नियंत्रण करने वाली नसों के स्वास्थ्य परीक्षण की तकनीक है। इसके बाद जो प्रमुख चिकित्सीय उपकरण है उसके बारे में देख लेते हैं। तो स्टेटोस्कोप जो होता है हृदय गति या हृदय स्पंदन की दर मापने में प्रयुक्त होता है। पेसमेकर हृदय की गति अधिक हो जाने या कम हो जाने पर इसे समान अवस्था में लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तदाब मापने में प्रयुक्त किया जाता है। कंप्यूटर टोमोग्राफी जो होता है संपूर्ण शरीर के किसी असमानता या विकृति का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग होता है, जिसे हम सिटी स्कैन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो होता है मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ऑटो जो एनालाइजर होता है वो ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए उपयुक्त होता है। इसके बाद मैग्नेटिक रेजोनेंस है, इसका जो उपयोग होता है संपूर्ण शरीर या अंगों में असमानता या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑडियोग्राफ कान से संबंधित है। यह एक ग्राफ है जो व्यक्ति के सुनने की क्षमता का विस्तृत विवरण देता है। मेमोग्राफ यह वक्ष से संबंधित है। इसमें एक्स किरणों के द्वारा स्तन चित्रण किया जाता है, जिससे विभिन्न रोगों मुख्यतः स्तन कैंसर की जानकारी मिलती है। एंडोस्कोप इस नामक यंत्र द्वारा मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। नेक्स्ट है कार्डियोग्राफ, हृदय की गति को अभियंत्रित करने वाला एक उपकरण है। नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ, ये पौधों की वृद्धि को मापने वाला एक उपकरण है। इसका विकास 20वीं शताब्दी में डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने किया था। नेक्स्ट है टेट्राप्लेजिया, इससे तात्पर्य दोनों हाथों
एवं दोनों पैरों के पक्षाघात से है। और नेक्स्ट है, इसे जो है हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिप्लेजिया भी कहते हैं। चोट या बीमारी का शरीर के निचले हिस्से यानी पैरों सहित इसमें पक्षाघात हो जाता है, पैराप्लेजिया कहलाता है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा यानी इलेक्ट्रॉन बीम थ्योरी जो है, बीम थ्योरी, यह एक प्रकार का बाह्य रेडियोथेरेपी है जिसका प्रयोग विशेष प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जाता है। दंत विशेषज्ञ होते हैं नतोदर शीशे यानी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, आकाशीय पिंडों, तारों आदि की फोटोग्राफी करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। कान, नाक और गले के आंतरिक भागों के लिए भी इनका उपयोग होता है। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे संबंधी रोगों का विशेषज्ञ होते हैं, यूरोलॉजिस्ट नर तथा मादा मूत्र नलिकाओं की समस्याओं का विशेषज्ञ होते हैं, आकुलिस्ट नेत्र संबंधी रोगों का इलाज करते हैं। इसके बाद अल्ट्रासाउंड तकनीक क्या है, तो जिसे हम अल्ट्रासोनिक्स भी कहते हैं, इसे भ्रूणीय वृद्धि को मापा जाता है। नेक्स्ट है लाइनस कार्ल पालिंग, या मतलब इसका जो है कैंसर तथा विटामिन सी के शोधकर्ताओं में शोध कार्य में जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन्होंने भौतिक रसायन और जीव विज्ञान के क्षेत्र में बृहत शोध कार्य किया है। इनकी उपलब्धि पर उन्हें वर्ष 1954 1962 का क्रमशः रसायन शास्त्र शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। मधुमक्खी यानी हनी बी जो है ये एक सामाजिक कीट होती है, ये बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी है। मधुमक्खी के एक छत्ते या कॉलोनी में एक रानी मक्खी, कुछ नर मक्खियाँ या ड्रोन्स तथा ढेर सारी श्रमिक मक्खियाँ होती है। इसके छत्ते से हमें शहद और मोम जो है वैक्स जो होता है प्राप्त होता है। मधुमक्खियों की औसत गति सामान्यतः 15 से 20 मील प्रति घंटा होता है यानी लगभग 21 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यातव्य है कि मधुमक्खी के छत्ते की एक विशिष्ट गंध होती है जिसके द्वारा कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं। कार्ल वॉन फ्रिस, ठीक है, ऑस्ट्रिया के जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने मधुमक्खियों में संचार व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया तथा व्याख्या करने में सफलता प्राप्त की, कि जिसके लिए उन्होंने 1973 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। उन्होंने बताया कि मधुमक्खियां दो विशेष प्रकार की नर्तक या नाच गोल तथा द्रुम दोलनी नाच द्वारा जो है छत्ते से भोजन के स्रोत तक इसकी दूरी को सूचना देती हैं, मतलब स्रोत की दूरी को जो है सूचनाएँ देती हैं। गोल नृत्य यानी राउंड जो डांस होता है, इसका तात्पर्य है कि भोजन का स्रोत छत्ते के नज़दीक लगभग 75 मीटर के दायरे में है। और जो वेगल डांस होती है यानी द्रुम दोलनी जो नृत्य है, इसका तात्पर्य है कि भोजन का स्रोत छत्ते से अधिक दूरी पे है। नमी के कारण डिब्बा बंद औषधियाँ, डिब्बा खुलने के बाद नमी को सोकर टूटने लगती है, इसीलिए औषधियों को सुरक्षित रखने के लिए सिलिका जेल के डिब्बों में जो है सिलिका जेल को जो है डिब्बों में रख देते हैं। यह नमी को अवशोषित कर औषधियों को टूटने से बचाने का भी कार्य करता है। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के संस्थापक और निदेशक शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में संस्थान की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। मानव शरीर में दो नेत्र दर्शन नेन्द्रिया के रूप में होती हैं जो नासिक के दोनों तरफ स्थित होती है। नेत्र विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत नेत्रों की संरचना, कार्य की रोग और उपचार का अध्ययन किया जाता है। नेत्रदान में कनिका जिसे कहते हैं या कॉर्निया जिसे हम कहते हैं, इसका प्रत्यारोपण किया जाता है। डॉक्टर जो क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के ये जो थे एक दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध सर्जन थे। इन्होंने मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन या प्रत्यारोपण किया था। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन अर्थात धड़कन को समन्वित करता है। इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असामान्य गति से कार्य करने लगता है। ऐसे नोड या सीने एट्रियल नोड कोशिकाओं का एक समूह होता है जो हृदय को दाहिने आलिंद में स्थित होता है। यह हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है जो हृदय गति को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ का क्षय या समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण की स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट्स मुख्यतः सोडियम क्लोराइड जिसे साधारण नमक कहते हैं शरीर से लुप्त हो जाता है। किंग कोबरा एक अंड यूज जो होता है, एक सर्प होता है जो कि घोंसला का निर्माण करता है। घोंसले में मादा लगभग 20 से 25 अंडे देती है। ये सर्प अंडे से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करते हैं, अर्थात इनमें पैतृक संरक्षण की प्रवृत्ति पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि कोबरा तथा करैस सर्प के बीज होते हैं मुख्यतः तंत्रिका विषी होते हैं, जबकि जो वाइपर के बीच होते हैं रुधिर विषी यानी
हेमोटॉक्सिक होते हैं। ध्यातव्य है कि सर्प सरीसृप वर्ग के पृष्ठवंशीय या कशेरुकी प्राणी है। प्रमुख दिवस और दिन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस जनवरी का अंतिम रविवार को मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व कठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विभिन्न कृषि क्रांतियां और संबंधित क्षेत्र हैं, तो क्रांतियां और क्षेत्र देख लेते हैं कि कौन सी क्रांति के, मतलब जो क्रांति का नाम दिया गया उसका क्षेत्र किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है खदान उत्पादन में क्रांति हुई थी, श्वेत क्रांति के तहत दूध एवं दुग्ध उत्पादन आता है, पित्त क्रांति के तहत तिलहन उत्पादन आता है, नीली क्रांति के तहत मत्स्य एवं एक्वा कल्चर आता है, गुलाबी क्रांति के अंतर्गत झींगा उत्पादन आता है, काली क्रांति के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पाद आता है, रजत क्रांति के अंतर्गत अंडा और पोल्ट्री उत्पाद आता है, लाल क्रांति के अंतर्गत मांस और टमाटर उत्पादन का जो है ये आता है, और गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन के तहत आता है। विभिन्न संस्थान या केंद्र और उसके स्थान के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का है तो नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तथा नैदानिक केंद्र राष्ट्रीय औषधि जीनोम अनुसंधान सॉरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तथा नैदानिक केंद्र का है तो हैदराबाद जो मतलब तेलंगाना में है, और राष्ट्रीय पौधा जीनोम अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर हरियाणा में है, और जैव संसाधन और स्थानीय विकास संस्थान जो है इम्फाल जो मणिपुर में है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है, राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र कर्नाटक के बेंगलुरु में है, बीरबल सहनी वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में है, वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है, केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान लखनऊ में है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान जो है देहरादून में है, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में है, राष्ट्रीय यावरजंग राष्ट्रीय बादिर संस्थान मुंबई में है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद यानी कि जो है तेलंगाना सिकंदराबाद में सिकंदराबाद और तेलंगानाबाद सॉरी सिकंदराबाद एवं तेलंगाना में है। सिकंदराबाद कहाँ आता है, किस मतलब कहाँ पड़ता है तो हैदराबाद में। नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में है, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जत नगर में है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है और केंद्रीय आलू शोध संस्थान जो है शिमला में है। इसके बाद जो प्रश्न है इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करीब हम लोग इसमें जो है 250 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे, जो कि 100 क्वेश्चन इसमें डिस्कशन करेंगे। इसके बाद 100 क्वेश्चन के बाद जो बचेगी जो क्वेश्चन जो 125 या 150 जो भी बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसके बाद वो लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग जल्दी से एक नई सब्जेक्ट का शुरुआत करेंगे, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग सजेशन करिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया जाए। वैसे मैं बता दूँ कि ज्योग्राफी बेस्ट रहेगा, बहुत लोगों पहले से ही रिक्वायरमेंट किए थे कि ज्योग्राफी शुरू किया जाएगा, तो एक वीडियो और बचेगा इसके बाद। तो उसके बाद हम लोग आप लोग सुझाव दीजिए, कमेंट में बताइए कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया जाए, जिसका कमेंट जिसमें ज़्यादा जिस सब्जेक्ट के लिए आएगा उसी को शुरू किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो लोहा होती है। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों समानतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, लौह इसका आवश्यक घटक होता है। दो नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ होता है, तो डिंगो जो होता है ये भौंकने में असमर्थ है। डिंगो और बेसेंजी श्वान के वे उपजाति हैं जो सामान्य कुत्ते की तरह न भौंककर एक तरह के अलाप की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड रिवन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधने किसके लिए है, तो एड्स हेतु जागरूकता के लिए है। रेड रिवन एक्सप्रेस का उद्देश्य देश भर में घूमकर लोगों को
एचआईवी एड्स बीमारी के खतरे और इसके बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना है, इसलिए इसे एड्स जो है इससे संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाती है। नेक्स्ट 4 नंबर जो है, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्न से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। पेट या शरीर के आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तक पर आधारित होता है, यानी परावर्तन पर आधारित होता है, क्योंकि यह ऑप्टिकल फाइबर माध्यम पर कार्य करता है जिसमें सूचनाएं आंतरिक परावर्तन के माध्यम से संचारित होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है, तो एक्स किरण। परिकलित टोमोग्राफी या सीटी स्कैन एक शक्तिशाली अविखंडनीय मूल्यांकन तकनीक है जिसके द्वारा वस्तुओं के द्विविमीय तथा त्रिविमीय चित्र लिए जाते हैं। इस तकनीक में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है और एक्स किरण की सहायता से किसी वस्तु की आंतरिक संरचना जैसे उसकी विमाएं, उसका आकार, उसके आंतरिक विकास तथा उसके घनत्व का चित्र आसानी से लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है किससे, तो बच्चों को टीकाकरण से। इस मिशन इंद्रधनुष अभियान में जौन रोग जो जो संबंधित है देख लेते हैं, वो है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, यानी 60 टीके इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, 2020 तक उन सभी बच्चों को इसके दायरे में लाना है जिनका 60 टीकाकरण यानी टीका जो है निवारणीय रोग के विरुद्ध या तो टीकाकरण हुआ ही नहीं है अथवा उनका आंशिक टीकाकरण हुआ है, तो इन 7 टीकों को इसके तहत कवर किया जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष जो है किससे संबंधित है, तो 60 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 कोलेस्ट्रॉल है क्या है, तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय जो है एल्कोहल है। कोलेस्ट्रॉल C27H46O जो है जंतु वसा में मौजूद एक वसीय एल्कोहल है जो एक रंगहीन, गंधहीन और श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका मानव हृदय रोग से सीधा संबंध है और निरंतर वसा प्रधान भोजन को करने मतलब वसा प्रधान है प्रधान मैंने बोल दिया है तो निरंतर वसा प्रधान भोजन करने से रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, 9 कोलेस्ट्रॉल एक है क्या है, एस्ट्रॉयड है। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित होता है किससे होता है, तो धमनियों का कठोर हो जाना से ये जो है संबंधित है, कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर से जो संबंध है। कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील नहीं होता है। निम्नलिखित घनत्व जो है लिपोप्रोटीन LDL बुरे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार शरीर में LDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 मिलीग्राम DL से कम होना चाहिए। इस स्तर से अधिक होने पर कोलेस्ट्रॉल हृदय और मस्तिष्क रक्त को जो है प्रवाह करने की धमनियों की भीतरी दीवार में जम जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, थक्का जमने से हृदयघात या स्ट्रोक हो जाता है। नेक्स्ट है, 11 चिकित्सा परामर्श देते हैं, जो चिकित्सक होते हैं वो कहते हैं, सलाह देते हैं कि हमें अपना भोजन जो है वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। डॉक्टर वनस्पति घी की बजाय शोधित पादप तेलों यानी रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स के उपयोग से भोजन को पकाने का परामर्श देते हैं क्योंकि इनमें असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड फैट्स पाई जाती है। ये संतृप्त वसाओं वाले वनस्पति घी से कम हानिकारक होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है, किसका, तो HDL का। नेक्स्ट है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए जो है उपयुक्त है, तो सूरजमुखी का तेल जो है रोगियों के लिए जो है हृदय रोगियों के लिए ये लाभदायक होता है क्योंकि इसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट, 14 जुलाई 2004 में एचआईवी एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ठीक है, बैंकॉक में किया गया था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। इसमें विश्व का अब तक एचआईवी एड्स पर सबसे बड़ा अधिवेशन 2004 में जुलाई में संपन्न हुआ था। ध्यातव्य है कि एड्स एक अति घातक विषाणु जनित रोग है जो कि आज संपूर्ण विश्व में अपनी जड़ जमा चुका है। संख्या के दृष्टि से सर्वाधिक एचआईवी एड्स रोग अफ्रीकी महाद्वीप में है। इस रोग से आगाह करने के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष दिसंबर 1 मनाया जाता है किसके रूप में, तो एड्स दिवस के रूप में। 16 वही क्वेश्चन है, 17 बढ़ते हैं नेक्स्ट।
इसमें दिया है कि विचार आपको करना है और बताना है कि कौन सा जो है इनमें से जो सही क्रम है। एक कैलेंडर वर्ष में ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, तो आपको सही क्रम में ज्ञात करना है कि पहले कौन दिवस आएगा। तो देखिए पहले आता है कुष्ठ निवारण दिवस, जो जनवरी के प्रथम सप्ताह में शायद मनाया जाता है, और इसके बाद जो आता है आपको सॉरी कुष्ठ निवारण दिवस के बाद आता है आपका ये 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस, और इसके बाद आता है 21 सितंबर को अल्जाइमर रोग दिवस, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट 18 जो है फेरोमोन्स पाए जाते हैं, कीटों में पाए जाते हैं। फेरोमोन्स जो है एक रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं, यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने और स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करता है। 19 जो है फेरोमोन्स मान्यता उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा, तो कीटों के द्वारा। 20 है आयोडीन प्राप्त होता है, किससे होता है, तो लेमिनेरिया से होता है। ठीक है, आयोडीन पोषणीय युग गुण से जो है संपन्न पदार्थ है, जिसे लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। यह समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हालांकि यह कुछ खनिजों और भूमि में भी मिलती है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में जो होता है घेंगा रोग हो जाता है, जिसे गले में स्थित थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। कभी कभी यह सूजन गले के बाहर लटकते हुए दिखाई देता है। जो आपका नेक्स्ट है 21, निम्न में से कौन ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली जो है व्याधि में दिया जाता है, तो बताइए क्या है, आयोडीन है। नेक्स्ट है 22, सूची 1 सूची 2 को आपको सुमेलित करना है, तो एसिटिक अम्ल आपको किसमें मिलेगा, तो सिरका में, लैक्टिक अम्ल दूध में, ब्यूटेरिक अम्ल आपको मिलेगा मक्खन में, और साइट्रिक अम्ल नींबू में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जो है 23, सूची 1 सूची 2 को आपको मिलान करना है इसमें भी, तो हड्डियों में उपस्थित यौगिक जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, सिरका में उपस्थित अम्ल जो होते हैं एसिटिक एसिड होते हैं, दूध का खट्टा होना किसी कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण, और फलों का पकना जो होता है एथिलीन के कारण। नेक्स्ट 24 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए दूध का खट्टा होना लैक्टोज ये गलत हो मतलब गलत है। ठीक है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है, न कि लैक्टोज। 25 में भी आपको सुमेल करना है, तो त्वचा कैंसर जो होता है पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में, और वैश्विक तापमान जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से होता है, और ओजोन छिद्र जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो है संबंध है। नेक्स्ट 26 में भी आपको सुमेल करना है, तो लैक्टोबैसिलस जो है दही बनने में काम आता है, राइजोबियम का जो संबंध है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है, ईस्ट जो है वो एल्कोहल उत्पादन में, और एस्परजिलस जो है साइट्रिक अम्ल बनाने में उपयोग होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 27, बैसिलस थ्रिजियंसिस का उपयोग कहाँ होता है, तो जैविक कीटनाशक में होता है। ठीक है, 28 से एक जीव जो ताड़ी के कीड़ों में शामिल है हुआ है क्या है, तो सैक्रोमाइसिस है। नेक्स्ट है 29, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस होता है जो इसके उपयोग में लाया जाता है। 30 जो है एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा है, तो ईस्ट है। किण्वन की प्रक्रिया सक्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करती है, एल्कोहल युक्त जो पेय है इसके उत्पादन में खमीर और सैक्रोमाइसिस जाति के ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 31 है, कथन ए दिया गया, शाकनाशी उपयोगी पौधे को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं, और कारण आर में अपतृणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होती है, तो देखिए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अपतृणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी को भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित किए जाने के कारण ही अपतृण नष्ट हो जाते हैं, जबकि उपयोगी पौधों को क्षति नहीं पहुंचती है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, तो हर्बेरियम कहलाता है। नेक्स्ट 33, कौन सा जैविक मूल का है, तो इसमें से आपको बताना है जो ऑप्शन दिया गया है, तो मूंगा जो है जैविक मूल का है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें देखिए पन्ना मणिक पुखरा जो है जैविक मूल के नहीं है। ठीक है, और 34 में है गेवियलिस जो है यानी घड़ियाल जिसे हम बोलते हैं बहुतायत में कहाँ पाया जाता है, तो ये गंगा में पाया जाता है। ठीक है, बांग्लादेश भारत और नेपाल की अधिकांश मात्रा में ये जो है गेवियलिस पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 में आपको सुमेलित करना है, तो देखिए 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, और 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस।
नेक्स्ट 36 में भी आपको सुमेलित करना है। तो विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, कुष्ठ निवारण दिवस जनवरी के 31 को, और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को। नेक्स्ट बढ़ते हैं 37, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर। नेक्स्ट जो है 38 आपको सुमेलित करना है, तो विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व पशु दिवस आपको 4 अक्टूबर को, और विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 39, मानव मूत्र के पीला रंग एक वर्ण के कारण होता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मानव का जो मूत्र होता है वो पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट 40 जो है इसको भी आपको मिलान करना है। पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है वो कौन सा है? कोयल, जो अपना कभी घोंसला नहीं बनाता, जो जीव अपनी पूंछ त्याग देता है वो कौन सी है? छिपकली जो है अपना पूंछ त्याग देती है। सबसे विशाल जीव नीली ह्वेल है, और सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर जो है वो चिपैंजी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 41, भारतीय वन्य प्राणी जाति है और वैज्ञानिक नाम दिए गए, मैंने उनके क्या वैज्ञानिक नाम है, यानी भारतीय वन्य प्राणी जातियों के वैज्ञानिक नाम के साथ आपको सुमेल करना है। तो एशियाई जंगली गधा का जो वैज्ञानिक नाम है जो है इक्कस हेमियोनस है, बारासिंह का रूसवर्स डुआउस सेली है, और चिंकारा का गजेला बेनेटरी है, और नीलगाय का बोसलाफ ट्रेगो में सॉरी ट्रेगो केमेलस है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 42, भारत के निम्न प्राणियों पर आपको विचार करना है, कौन सा संकटपन यानी जाति है, या मतलब जो है जातियां हैं, तो आपको बताना है कौन सा संकटपन जाति है। तो इसमें जो संकटपन जो जाति है वो आपका दोनों है। 43 में है कि कौन सा आपका जो है इसमें एक सुमेलित नहीं है, उसको आपको चूज करना है। तो ए में कह रहा है कि जीन संबंध एवं पुनर्योग डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवंशिक अभियंत्रण है। बी कह रहा है गर्भस्थ शिशु में आनुवंशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण एनियोसेंटेसिस है, और सी में एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीव सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयव में तोड़ते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, और डी कह रहा है कि सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय बायोमास है, मतलब जो है इसका संबंध बताइए इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए डी जो है सुमेलित नहीं है। बायोमास शब्द का उपयोग जीवित जीवधारियों से व्युत्पन्न पदार्थ को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी का संपूर्ण बायोमास धरातल की पतली परत जिसे जैव मंडल कहते हैं पर विद्यमान है। बायोमास नवीकरणीय ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत भी है। अन्य युग्मक सुमेलित मतलब सुमेलित है, और बाकी डी जो है सुमेलित नहीं है। 44, मानव तंत्र में प्रति ऑक्सी कारकों का कार्य क्या है? तो यह मूत्र सॉरी यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट जो है आपको मिलान करना है। अच्छा, इसके बारे में डिस्कशन एक 2 सेकंड के लिए कर लेते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया से मुक्त मूलक जो होते हैं उत्पन्न होते हैं, जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाले श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं इन मुक्त मूलकों से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और जिससे श्रृंखला अभिक्रिया को तोड़ने में मदद मिलती है। 45 में आपको मिलान करना है, ईईजी का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। ईसीजी का संबंध हृदय से है। ईओजी का आंख से, और ईएमजी का संबंध जो है मांसपेशी से। इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर अच्छे से डिस्कशन किया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ईईजी इलेक्ट्रोसेनोफ्लेग्राफी होता है। इसमें मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स की बौछार से सिर की त्वचा में उत्पन्न वैद्युतीय गतिविधियों की अभिलेखन जो है प्रक्रिया है। ईसीजी जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय की वैद्युत गतिविधियों का अभिलेखन की प्रक्रिया है। ईओजी इलेक्ट्रो कोलोग्राफी जो है रेटिना की विश्राम क्षमता के मापन की तकनीक है, और ईएमजी इलेक्ट्रोमायोजोग्राफी है एक ऐसा परीक्षण है जिसमें मांसपेशियों तथा मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली नसों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। 46 जो है आपको बताना है इसमें कि निम्नलिखित में से किसी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी किया जाता है, तो बताइए किसका? तो मस्तिष्क का। नेक्स्ट आपको 47 में सुमेल करना है, जो है ऑडियोग्राफ का संबंध किससे? कान से है। ईसीजी का हृदय से है। ईईजी का मस्तिष्क है, और मेमोग्राफ जो है वक्ष से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 48, मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है, ठीक है, किसके माध्यम से? तो एंडोस्कोप द्वारा। एंडोस्कोप नामक यंत्र द्वारा किया जाता है क्या? मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को अभियंत्रित करने का वाला एक उपकरण है। जायरोस्कोप जो है एक ऐसा यंत्र है जिसे किसी वस्तु की कोणीय स्थिति यानी झुकाव को मापा जाता है, और क्रेस्कोग्राफ जो है पौधे की वृद्धि की जो है माप की जाती है। नेक्स्ट है 49, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे ट्रेप्टोलेजिया हो चुका है, यानी ट्रेप्टो जो ट्रेप्टोलेजिया सॉरी
ट्रेप्टालेजिया जो हो गया है, इसका मतलब है कि दोनों हाथ और पैरों का जो है इसमें पक्षाघात हो गया है। नेक्स्ट है 50 प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण तीन प्रमुख गुण है, ठीक है, उपापचय के, पोषण, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के तीन प्रमुख गुण है। उपापचय जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को कहते हैं। साधारणतः उपापचय को दो भागों में बांटा गया है। पहला अपचय जो है कार्बनिक पदार्थ का विघटन करता है, जैसे कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा का उत्पादन। दूसरा उपचय, ठीक है, एक अपचय एक उपचय, तो उपचय है उपचय ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटीन और नाभिकीय अम्लों जैसे कोशिकाओं के अंगों का निर्माण करता है। 51 है कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, क्या है, तो रियोन है। 52 रेशम तंतु रोम, पेश, नाक और नखर निर्मित होते हैं, किससे होते हैं, किरेटिन से। 53 जो है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है, तो सनई से। नेक्स्ट 54 निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो मेंढक जो है अपनी जो सांस की पूर्ति करता है वो त्वचा से, मेंढक। कोल्ड ब्लड एनिमल है, ठीक है, ये क्या सही है, तो सही है, मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल होता है। कोल्ड ब्लड वाले जंतु जो है सर्प, मगर, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली इत्यादि है। 56 मेंढक के कायांतरण में जो है आँख छोटी हो जाती है। अधिकतर जो टैडपोल मुख्यतः तो शाकाहारी होते हैं और वे मुख्यतः तो शैवाल और जलीय पौधों का भक्षण करते हैं, परंतु जब टैडपोल विकसित होकर वयस्क मेंढक बन जाते हैं तो उनकी आंतें छोटी हो जाती है, जो मांसाहारी भोजन को पचाने में सहायक होती है। और 57 है कौन से जीव में रक्त नहीं होते हैं किंतु वे सांस लेते हैं, बताइए, वो हाइड्रा है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। 58 एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं, तो उप परजीविता कहते हैं। 59 है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, वो कौन है, तो माइकोप्लाज्मा है। 60 है एक सांड के बीरे को कृत्रिम गर्भधारण हेतु रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, तो तरल नाइट्रोजन में। 61 निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति है, तो होल्स्टीन है। होल्स्टीन फ्रिजियन गायन की उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति है, यह मुख्यतः नीदरलैंड में पाई जाती है। यह एक प्रसिद्ध गाय की जाति है, इसका रंग सफेद या काला होता है। इस जाति की गाय जो है अधिक से अधिक 38,607 पाउंड, कम से कम 15,004 पाउंड तक दूध देने की रिकॉर्ड बनाई गई, मतलब बना चुकी है। नेक्स्ट है 62 केंद्र सरकार द्वारा पोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है, तो गायों को जो गायों की देसी नस्ल है इसकी रक्षा करना है। 63 है क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो आलू में किया गया है। नेक्स्ट है 64 कौन सी जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है, तो फ्लोयम। जाइलम मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है जबकि फ्लोयम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। फ्लोयम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। 65 निम्न रंगों के बीच आंख की जो सुग्राहता है किन के लिए सबसे अधिक होती है, बताइए, पीला और हरा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 66 है इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार के विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है, किसका किया जाता है, तो विशेष प्रकार के कैंसर का, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा इलेक्ट्रॉन बीम थ्योरी जो है एक प्रकार की बाह्य रेडियोथेरेपी है, इसका उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। 67 दंत विशेषज्ञ का शीशा जो होता है वो किसका होता है, किससे बना होता है, तो नतोदर शीशा, जिसे हम अवतल दर्पण भी कहते हैं। आकाशीय पिंड, तारा आदि की फोटोग्राफी करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग होता है। कान, नाक, गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए भी इनका उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण याद रखिएगा कहाँ कहाँ उपयोग होता है। 68 रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांतों के डॉक्टर जो है इनमें से किसका उपयोग करते हैं, तो आपको पता है, बताइए, तो देखिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि रोगी जो दांत के प्रतिबिंब देखते हैं, मतलब रोगी दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए जो सॉरी रोगी के दांत के प्रतिबिंब देखने के लिए जो डॉक्टर जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो अवतल दर्पण है, न कि लेंस, ठीक है, न कि उत्तल दर्पण, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। 69 है एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए जो प्रयुक्त दर्पण है आपको पता है अवतल है, और यहीं पर अवतल लेंस या आपको दिया होता तो गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण है। नेक्स्ट है 70 रोगियों के दांत देखने में जो दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है आपको पता है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 71 निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें तीन प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, तो आपको मेंढक में होता है। 72 किसमें पित्ताशय नहीं होता है, तो चूहा में पित्ताशय नहीं होता है।
73 आपको मिलान करना है। मायोग्लोबिन जो है वो किससे संबंधित है, तो पेशी कोशिका से। अस्परगंधा जो है वो प्रशांतक से। कर्कट रोग जो है वो विकिरण चिकित्सा से। और रुधिर वाणिका जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट 74 में भी आपको मिलान करना है, तो आपका जो 34 है जो है वो भक्षणी विकार से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल अंडपीतक से। एस्ट्रोपिन एल्केलाइड से। और इंसुलिन जो है अग्नाशय से संबंध है। 75 मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण बन सकता है, तो देखिए मानव रक्त में अल्कोहल की सांद्रता को संक्षिप्त में BAC ब्लड अल्कोहल कंसेंट्रेशन कहते हैं, जिसे प्रतिशत में मात्रा मतलब जिसे प्रतिशत में मापा जाता है। 10% मात्रा का अर्थ होता है कि मानव शरीर के रक्त में प्रति 1000 मिली भाग में 1 मिलीलीटर जो है मतलब 1000 मिलीलीटर भाग में 1 मिलीलीटर जो है अल्कोहल उपस्थित है। मानव शरीर में BAC की 0.45% या इससे अधिक की मात्रा मृत्यु का कारण बनती है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्र में इस प्रश्न का जो विकल्प दिया गया था उसी दिया गया था 5.0%, जो कि गलत है। देखिए मैंने 10% बोला था, गलत बोला था, 0.10% है, ये याद रखिएगा। ऊपर में डिस्कशन के समय मैंने ध्यान नहीं दिया था। 76 जो है इसमें जो क्वेश्चन दिया है, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया गया नैनो कण अर्धचालक पदार्थ की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया, जिसकी उपयोगिता युक्ति लघु रूपण में है, या सूक्ष्म जीव है एक क्या है, तो इष्ट है। 77 वह जंतु कौन है जिसे अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की थी, तो बताइए कौन है, कुत्ता है। 78 निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले जो पदार्थ है वो कौन कौन से है, तो देखिए क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस जो है ऑक्साइड है, ये दोनों जो है निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। और देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। निश्चेतक मुख्यतः संवेदना को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। निश्चेतक का प्रयोग सबसे पहले विलियम मोर्टन 1846 ईस्वी में डाई एथिल ईथर के रूप में किया था। इसके पश्चात 1847 में जेम्स सैम्पसन ने क्लोरोफार्म को निश्चेतक के रूप में उपयोग किया था। क्लोरोफार्म नाइट्रस ऑक्साइड पेटोथल सोडियम हेलोथेन ट्राइक्लोरोएथीन एथिलीन और क्लोरोप्रोपेन कोकीन डायजीपाम और जो है सल्फोनिल बिरेनोल ये आदि निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ पढ़ते हैं, मिलान करना है आपको। नहीं, 79 में एक क्वेश्चन है कि अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयोग जो गैस है वो कौन सा है, तो जो प्रयोग गैस होता है मंद निश्चेतक के रूप में वो है नाइट्रो ऑक्साइड। 80 नंबर जो है 80 में आपको मिलान करना है। कार्डियोलॉजिस्ट जो है हृदय से संबंधित है। नेफ्रोलॉजिस्ट जो है गुर्दा से संबंधित है। यूरोलॉजिस्ट जो है मूत्र नलिका से। और ऑकुलिस्ट जो है वो आंख से संबंधित है। नेक्स्ट 81 जो है आपको सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है, तो कार्डियोलॉजी जो है श्वसन तंत्र, ये गलत है। तो देखिए न्यूरोलॉजी जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 82। निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिसमें एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, तो है कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, 83 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो देखिए रोगाणु रोधक का जो संबंध है वो फिनॉल फेथिलीन फेथिलीन के जो है संबंध नहीं है, यानी रोगाणु रोधक में फिनॉल फेथिलीन का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, फिनॉल फेथिलीन का जो प्रयोग होता है अनुपापम यानी टिट्रेशंस में जो है किया जाता है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है, तो सशक और बकरे की एक प्रजाति से, मैंने सशक अथवा बकरे की प्रजाति से जो है अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। 85 है दीमक को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दीमक को श्वेत चिट्ठी भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल ही में विकसित तकनीक कौन सी है, तो आपका अल्ट्रासोनिक्स है। 87 है कौन सा सुमेलित है, तो आपको इसमें जो सुमेलित है वो बताना है, तो देखिए जयपुर कृत्रिम पैर जो है डॉक्टर प्रमोद करण सेठी से संबंध है, तो ये सही है। इनमें से डॉक्टर कुरियम सहकारी आंदोलन से, डॉक्टर मालकम आदि से सया विकास अर्थशास्त्र से, डॉक्टर अब्दुल कलाम अंतरिक्ष विज्ञान से, और प्रमोद करण सेठी जो है ये जयपुरी कृत्रिम पैरों से संबंधित हैं। इसके बाद 88 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है संरक्षक संस्थान है क्या है, तो ये एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना जो बंगलुरु में है, इससे ये एक संस्थान है, इससे संबंध है इसका। 89 जो है नेको एक ऐसी संस्थान है जिसका संबंध है किससे है, तो एड्स से है। नेक्स्ट 90 भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पे है, तो बरेली में है।
91 जो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पे है? बरेली में है। और 92 है CDRI निम्न स्थान पर जो है स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में, यानी सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है। 93 भारतीय सर्वेक्षण विभाग निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। 94 भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 95 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित जो असुमेलित युग में है, तो सुमेलित जो नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कोलकाता में ना होकर कहाँ पे है? ये कराईकुडी यानी तमिलनाडु में स्थित है। बाकी सारे सही है। 96 जो है हाई सिक्योरिटीज एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ पर स्थित है? बताइए, भोपाल में है, एमपी में है। 97 लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान में से एक ऐसे संस्थान को पहचानिए जो किसी जो कि CSIR का संस्थान नहीं है, तो वो है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, पूछा है CSIR का संस्थान नहीं है, तो बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ बायो सॉरी पैलियो बॉटनी जो है ये जो है CSIR का संस्थान नहीं है, ठीक है? तो BSIP यानी बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ क्या पैलियो बॉटनी जो है CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड सॉरी इंडस्ट्रियल रिसर्च का संस्थान नहीं है। या जो अन्य प्रश्नगत जो संस्थाएं दी गई है प्रश्न में वो सारे जो है CSIR के संस्थान है। 98 जो है मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो हैदराबाद में है। और इसके बारे में भी एक दो लाइन और देख लेते हैं। विकलांग की विभिन्न समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विकलांगता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र निर्मित राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद जिला हैदराबाद में अवस्थित है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में। और अली यवरजंग राष्ट्रीय बाधित संस्थान मुंबई में है। 99 जो है आपको मिलान करना है। सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान है वो है आपका इलाहाबाद में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी जो है कानपुर में है। और आपका नेक्स्ट 100 जो नंबर का जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि कौन सा जो युग में है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान जो है श्रीनगर में, ये गलत है, बाकी आपका सही सुमेलित है। देखिए केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है। 101 जो है आपको मिलान करना है। तो केंद्रीय औषधीय एवं सुरभि पादप संस्थान जो है वो आपका कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। और DNA फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स जो केंद्र है वो हैदराबाद में है। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। 102 नंबर जो क्वेश्चन है DNA अंगुली छाप यानी DNA फिंगरप्रिंट और नैदानिक शोध केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? तो आपको हैदराबाद में है, ठीक है? और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वीडियो होगा जिसमें 100-150 जो भी है क्वेश्चन बचे हुए उसका भी एनालिसिस कर लेंगे विविध के तहत। तो ये हमारा पूरी एक बहुत बड़ा जो सब्जेक्ट था खत्म हुआ, जिसमें फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और बायो था। तो पूरे हम लोग एक कंप्लीट जो है इसका सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं। एक वीडियो सिर्फ बचा है जो कि कल तक जो है रिलीज कर दिया जाएगा। साथ में हमारा जो पॉइंटर का सीरीज चल रहा है वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो दोनों आप वीडियो देखते रहिए। और इसके बाद में जो PCS का रिविजन सीरीज चल रहा है उसमें आप लोगों को कमेंट बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए, ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं न्यू वीडियो में।